को मेवात से जुड़ी हुई हर समस्याओं से अवगत करा रहे हैं। आज हम मौजूद हैं फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बदरपुर में। यहाँ कुछ ग्रामीण लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे आखिर इनकी समस्याएं क्या हैं, क्योंकि मेवात में जो सबसे बड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं, हमारी डीटी न्यूज़ की टीम भी लगातार सर्वे कर रही है। लोगों के पानी की सबसे ज़्यादा किल्लत है और पूरे तरीके से यहाँ लोग हाहाकार मची हुई है पानी के लिए, और यहाँ जो रेनीवेल की परियोजना थी दरअसल वो भी पूरे तरीके से विफल साबित हो गई है। अब इन लोगों ने यहाँ से कई किलोमीटर दूर बोरवेल कराया, मशीन से 6-7 किलोमीटर दूर वहाँ से पाइपलाइन नीचे से ला करके यहाँ पर छोड़ दिया गया इस चैम्बर में। जरा कैमरामैन से कहूँगा इसको नीचे से जूम करके दिखाए कि दरअसल ये नज़ारा है बदरपुर ग्राम पंचायत के जो चैम्बर बनाया गया है उसका। ये दूषित पानी है, इसी को पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और पूरे तरीके से ये खुला है, इस पर किसी तरीके का कोई छत भी नहीं डाली गई है और ये ओपन है। इसको पूरा गांव इस्तेमाल करता है, पीने का पानी इसे कहा जाता है। गांव के लोग इसी को पी करके अपना गुजर बसर करते हैं। ग्रामीण लोग परेशान हैं, इनकी परेशानियां कहाँ हैं और कितने दिनों से इस चीज़ से जूझ रहे हैं, सब कुछ जानेंगे सिलसिलेवार। सर क्या नाम है आपका? जी निसार जी, मेरा नाम निसार जी। कितने दिनों से पानी नहीं आ रहा है? ये लगभग एक महीने से ऊपर हो गया इसमें। अच्छा, हाँ। रेनवेल की लाइन जुड़ी हुई थी इससे? जुड़ी हुई, वो कभी आती कभी नहीं आती। अच्छा। ये जो दूसरी लाइन है रहपोस आ रही है जी, और वहाँ मोटर जल गई इसकी। अब गांव वाले सब परेशान है जी। कितने दिनों से खराब हो गई ये मोटर? कब? लगभग एक महीना से खराब है जी। अच्छा, हाँ। अब कहवा किसी से तो कोई बात नहीं करता है। अच्छा, कितने दिनों से जो रेनवेल की लाइन थी कितने दिनों से बंद पड़ी है? दो महीने से तकरीबन। दो महीने से ज्यादा हो गए जी। थोड़ा बहुत आ रहा है, थोड़ा बहुत आता है वो भी। किस वजह से बंद पड़ी है? वो पीछे से आने नहीं देते पानी को। कहाँ से नहीं आता पानी? ये खानपुर मरोड़ा, खानपुर घाटी से। अच्छा, क्या आप लोगों ने वहाँ जाकर के अपनी समस्या बताया तो क्या बताते हैं वो लोग, क्यों नहीं आ रहा पानी? मैं बताऊँ जी, ये जो बली गांव है ना, मरोड़ा बली गांव, इसमें वो वायल लगा रखी है। वो जब उनका कुंडा फुल हो जाता है तब इधर खोलते हैं, नहीं तो नहीं खोलते पानी को। अच्छा, उनकी आपूर्ति नहीं होती? हाँ, उनकी पूर्ति हो जाती है तब भी वो नहीं खोलते। अच्छा, थोड़ा खोलते हैं, आधा इधर आता है तो उसमें रहता है। आपके लिए स्पेशल अलग लाइन नहीं है? अलग लाइन नहीं, नहीं जी, 5-6 गाँव रहे लिवान पे, मरोड़ा है और बड़ी है, बाद में फिर ये पिनक हो गए, ये सब ये जब गांव आते हैं। लेकिन ये आप ज़्यादा परेशानी जी है जी, जो बड़ी गांव है इसमें। अच्छा देखिए साहब, ये ग्राम पंचायत बदरपुर के हालात हैं। ये दरअसल ये बच्ची जो पानी जो नीचे से लेते हैं ये लोग, रस्सी के माध्यम से ऊपर लाया जाता है। और ये देखिए नज़ारा दरअसल कितना भयानक है, यहाँ लोगों के हादसा होने का अंदेशा बना रहता है। दरअसल यहाँ से पानी नीचे से खींचा जाता है और रस्सी के थ्रू ऊपर लाया जाता है, तब जा कर के यहाँ ये पानी के लिए घर से लेकर के आते हैं कोई, जो इनके अंदर बाल्टी वगैरह डाल करके जो ऊपर लाया जाता है। ये नज़ारा दरअसल बदरपुर का है, पूरे तरीके से छत भी नहीं पड़ी है और ऊपर से कुछ भी इसमें गिर सकता है। गंदगी पूरे तरीके से है, दूषित पानी हो चुका है, इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल इंसान है। एक सवाल आपसे और है, जो आपकी मोटर फूकी हुई थी आप लोगों ने उसको रिपेयर कराने के लिए सरपंच से बोला तो क्या बोलते हैं वो? सरपंच जी इसमें कोई कार्रवाई नहीं करता, वो बोला भाई जो इसका मतलब है मैकेनिक है, वो जो इसका हुआ है उनसे बात करो। अच्छा, हाँ। तो फिर पैसा वगैरह कौन देगा इसका? पैसा तो जो भाई कोई नहीं देता इसको, आपस में जब भी काम लाइन टूट जाए आपस में पैसा उगाते हैं हम और तब इसको कराते हैं। कुछ मजदूर गाँव वाले होते हैं, कुछ बाहर से। चैम्बर को किसने बनवाया था जब इसकी आधारशिला रखी गई थी? ये सरपंच ने बनवाया थी, लेकिन फिलहाल वो सरपंच नहीं है जी, अब दूसरा मोहल्ले पट्टी का सरपंच है। जब तो ये स्कीम आई थी भाई, तो मैं इतना पैसा कर दोगे तो गवर्नमेंट इतना पैसा दे देगी। देखिए साहब जी, सब्सिडी के तहत बना था जी। अच्छा, गवर्नमेंट ने कुछ पैसे हमने दिए तो सरपंच की है कि रिपेयरिंग कराए यहाँ की, पूरे तरीके से इस पानी की सुविधा यहाँ कराई है, तो सरपंच की जिम्मेवारी बनती है ना? इस चीज पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा। तो आप लोगों ने बोला है उसे कई दफा? बोला है तो बोलते हैं कि ये जो है वो पानी विभाग वालों का काम है, वही इसकी देख रेख करेंगे, वहीं शिकायत करने के लिए जाते हैं, जेई को फोन करते हैं। देखिए साहब, इन लोगों का कहना है कि पूरे तरीके से यहाँ
नज़रअंदाज किया जा रहा है और पूरा गांव इस चैम्बर से जुड़ा हुआ है। इसमें आप देखिए दूषित पानी है और ये पानी भी इन लोगों ने टैंकर से यहाँ पर डलवाया है, तब जा करके ये ग्रामवासी इस पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए नज़ारा, दरअसल दूषित पानी है पूरे तरीके से, यहाँ इसी गंदे पानी को पीने को मजबूर ये लोग हो गए हैं ग्रामवासी। और यहाँ हादसा होने का अंदेशा भी बना रहता है क्योंकि यहाँ इसमें बाल्टी डाल करके यहाँ पूरे तरीके से पानी को खींचा जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या इन लोगों की है। और यहाँ से 6 किलोमीटर दूर इन लोगों ने एक बोरवेल कराया, वहाँ की मोटर ख़राब हो गई, सरपंच सुनने को तैयार नहीं है, वो नज़रअंदाज करता है। वो कहता है कि जो इस विभाग के जो कर्मचारी हैं उनसे आप बातचीत करिए, वो आपके इस समस्या को सुलझाएंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा समस्या है कि ये ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं वो इसको सुनने को तैयार नहीं है, जो इस विभाग के अधिकारी वो भी इसको संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। पानी की किल्लत और इससे परेशान है बदरपुर ग्राम पंचायत के लोग। मैं आपको लगातार डिटेल्स के माध्यम से दिखाता रहूँगा, प्रशासन से यही गुहार है कि इस पूरे तरीके से इस मामले को संज्ञान में लेकर के इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। देखिए प्रदूषित पानी है, ये देखिए कैमरामैन से कहो जूम करके दिखाए, दरअसल इसके अंदर कितना मिट्टी डली हुई है और कितना ये गंदगी आप देख रहे हैं। दरअसल ये नज़ारा है बदरपुर ग्राम पंचायत का, इस खराब और गंदे पानी को पीने को मजबूर हो गए हैं। इसके आसपास देखिए ये गंदगी, क्योंकि यहीं से वो जो स्वच्छ भारत का जो नारा देती रही थी भारत सरकार, उसकी पूरे तरीके से धज्जियां उड़ती हुई यहां दिखाई दे रही हैं कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। प्रशासन से यही गुहार है और जो सरकार है उससे यही मांग है डीटी न्यूज़ की टीम के माध्यम से कि इन ग्रामीण लोगों की समस्याओं को सुना जाए, तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई करके इस पर अमल किया जाए और यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको पूरे तरीके से संज्ञान में लेकर तलब करके उन पर उचित कार्रवाई की जाए। हम आपको लगातार डीटी न्यूज़ के माध्यम से दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।